लेकिन जब भारत आजादी मिला है उसी टाइम में त्रिपुरा कोई भारत का साथ नहीं था और उसी टाइम भारत एक इंडिपेंडेंट कंट्री था और हमारा एक जेन्युइन हिस्टोरिकल है एक इतिहास है। जब भारत आजादी मिला, जब भारत आजादी था उसी टाइम हम लोग भारत के साथ जुड़ा नहीं था और हमारा ये त्रिपुरा एक अलग इंडिपेंडेंट कंट्री था और उसी टाइम में हमारा ये वर्ल्ड में हमारा एक सेकेंड लार्जेस्ट किंग का एक कंट्री था। हमारा दुनिया में सबसे हमारा ये एक राजा का देश बन के हम लोग त्रिपुरा में था और भारत आजादी मिलने के बाद हम लोग 15 अक्टूबर में हम लोग भारत का साथ जुड़ा। अचानक हमारा लास्ट महाराज, लास्ट किंग हमारा महाराजा पीर विक्रम किशोर माणिक्य, उसका जो एक्सपायर होने के बाद हमारा महारानी के नेतृत्व में महारानी कांचन प्रभा देवी के नेतृत्व में उसी टाइम में भारत का साथ जुड़ा है हम लोग ये त्रिपुरा एक अलग राज्य बन के। तो हमारा एक इतिहास है जब भारत के साथ जुड़ने के बाद आज कम से कम ये भारत का हम लोग भी एक नागरिक बना है, एक सिटीजन बना है। कम से कम ये 75 ईयर्स ऑलरेडी हो चुका है और एक इतिहास है। हम लोग आज क्यों यहाँ पे आया है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ यूपीए सरकार का समय में और अंडर लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का पीरियड में हम लोग का ये त्रिपुरा का एक ट्राइबल के लिए सिक्स शेड्यूल दिया था 1984 15 अक्टूबर में। आज 39 ईयर हो चुका है वो दोस्तों, और 39 ईयर्स होने के बाद आज भी हम लोग एक भारत का नागरिक बनने के बाद, एक हमारा जेन्युइन इतिहास रहने के बाद, एक भारत का साथ जुड़ने के बाद हमारा एक इतिहास आज अनलकीली बन के रहा है दोस्तों। इसलिए हमारा लेट ऑनरेबल हमारा सुप्रीमो ऑनरेबल प्रेसिडेंट लेट एनसी देवर्मा का नेतृत्व में हम लोग 2009 में शुरू किया था ये सिक्स शेड्यूल को लेके। भारत का संविधान में जो लिखा है जिस देश का, जिस राज्यों का, जिस जातियों का जो भी प्रॉब्लम होने से लैंग्वेज में और लैंड में और आइडेंटिटी में जो भी प्रॉब्लम होने से देश का संविधान में लिखा है उन लोग के लिए एक अलग राज बन सकता है और उन लोग के लिए एक अलग राज दे सकता है। भारत का संविधान ने हम लोग कभी बना, हम लोग ने नहीं बनाया है, भारत ने संविधान ने भारत का संविधान जो बनाया है हमारा डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा से ये भारत का संविधान लिखा है। तो भारत का संविधान को हम लोग सम्मान करते हो, भारत का संविधान को हम लोग मानते हो और भारत का संविधान को हम लोग रेस्पेक्ट करते हो। और हमारा जो लास्ट 14 ईयर जब हम लोग स्ट्रगल किया है, लास्ट 2018 में हम लोग का साथ हमारा जो स्टेट का जो इलेक्शन हुआ था लास्ट 2018 में हमारे साथ बीजेपी का और आईपीएफटी का गठबंधन सरकार बनाया है और उसी टाइम में भी हम लोग का एक एग्रीमेंट है, एक रिटर्न एग्रीमेंट है। अभी भी उस रिटर्न एग्रीमेंट पे अभी भी ये चर्चा हो रहा है और हमारा विश्वास यही है। कोई लोग बोलते हैं कि ये लोग सरकार में बैठ के, ये लोग सरकार में बैठ के कोई अपना इश्यू को नहीं उठाता है, कोई दिल्ली को कोई पूछता नहीं है, दिल्ली सरकार को कोई उल्लू का जो मुद्दा है उसको कोई शामिल नहीं करता है, कोई पूछता है। अनलकीली हमारा जो त्रिपुरा का जो प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो जो लास्ट 5 ईयर्स में जो हुआ है उसको हम लोग ओवरकम करने के लिए हमारा जो मुद्दा, हमारा जो कोर डिमांड है उसको हम लोग कंटिन्यू करके
आज हम लोग ये जंतर मंतर में आया है दोस्तों, और ये है इतिहास। कोई पूछता है, कोई बोलता है, आप लोग सरकार में बैठ के भी आप लोग ये जंतर मंतर में आने का क्या जरूरत है? आप तो मिनिस्टर बन के रहा है, आप लोग का पार्टी तो सरकार में बैठ के रहा है, आप लोग तो लास्ट 5 ईयर्स में सरकार में बैठा है। तो हमारा भी यही सवाल देना चाहता हूँ दोस्तों, ये पार्टी आईपीएफ हमारा एक हमारा इंडिजिनस पीपल्स का जो प्रॉब्लम वो परमानेंट सोल्यूशन के लिए हम लोग का पार्टी एस्टेब्लिश हुआ है। और कभी भी हमारा जो लीडर जब हमारा एंस हमारा पार्टी का प्रेसिडेंट लेट एनसी देवबर्मा था फॉर्मर प्रेसिडेंट, उसी टाइम में भी हम लोग का लीडर कभी कोई किसी ने कभी भी नहीं बोला कि हम लोग का मुद्दा को छोड़ दिया है, हम लोग का इशू को छोड़ दिया है, हम लोग का जो मुद्दा है, जो इशू है, जो सेपरेट स्टेट इशू है, उसके दबा के रखा है, हम लोग कभी भी नहीं बोला है। और हम लोग भी कुछ इसमें है, और अभी ये हम लोग त्रिपुरा में सरकार में बनने के बाद भी, सरकार में रहने के बाद भी, हम लोग पावर में रहने के बाद भी, हम लोग आज दिल्ली में आके हमारा यही हमें रिक्वेस्ट है, हमारा जो प्रेजेंट अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के पास हम लोग अभी भी विश्वास है, हम लोग अभी भी विश्वास है, वो कुछ ना कुछ दिएगा, कुछ ना कुछ करेगा ये त्रिपुरा का जनता के लिए, जनजाति के लिए, त्रिपुरा का इंडिजिनस के लिए लॉन्ग पेंडिंग जो इशू है उसको सॉल्व करने के लिए। ये आने वाला लोकसभा इलेक्शन का पहले कम से कम हमारा जो इशू को सॉल्व करने के लिए हम लोग आज ये दिल्ली जंतर मंतर में आके हम लोग रिक्वेस्ट करता हूँ। और कोई बोलते है हमारे खिलाफ में कोई पॉलिटिकली इशू बन के, कोई पॉलिटिकली इशू बन के हमारे खिलाफ में कोई बोलता है, और आज ये जो मेरा हमारा जो आज का ये मूवमेंट का तरफ से हम लोग बोलना चाहता हूँ, हमारा ये दोस्तों हमारा मीडिया का तरफ से बोलना चाहता हूँ, हमारा पार्टी का जो कोर डिमांड है एडीसी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को नया सेपरेट स्टेट करने के लिए हम लोग का कोर डिमांड है, हमारा अभी भी डिमांड चल रहा है, और हमारे ये इश्यू को कम से कम आगे तक लेके जाएगा, और जब तक हमारा ये जो डिमांड वो सॉल्व नहीं होगा तब तक हम लोग कभी भी चुप करके हम लोग कभी भी बैठ के नहीं रहूंगा दोस्तों। और आने वाले साल में हम लोग और भी हमारा जो जितना सपोर्टर है आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप लोग इतना कष्ट करके इतना अभी रेनी सीजन में बारिश में आप लोग ये जंतर मंतर में आके हमारे साथ आवाज उठाया है, हमारे साथ आप लोग शामिल हुआ है, और हमारा पार्टी के लिए, हमारे जाति के लिए, और हमारे मुद्दे के लिए आप लोग अपना अपना घर छोड़ के, अपना अपना काम छोड़ के, अपना अपना एरिया छोड़ के इतना दूर तक आप लोग आया है बाई ट्रेन से, आप लोग यहाँ पे आके भी आप लोग को अच्छी तरह से खाना नहीं दे पाया, अच्छी तरह से रहने के लिए जगह दे नहीं पाया, और इसलिए हम लोग रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हमारा ये डिमांड और भी आगे जाएगा जब तक ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारा ये इश्यू को कम से कम कंसिडरेशन नहीं करेगा तब तक हम लोग का ये मुद्दा कंटिन्यू रहेगा। और यही कहना चाहता हूँ ये हम लोग सिक्स शेड्यूल मिला है अंडर लीडरशिप ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी के पीरियड में 1984 में, तो अगर यूपीए सरकार ने ये त्रिपुरा का जनजाति के लिए और ट्राइबल के लिए कम से कम सिक्स शेड्यूल तो दे दिया है, तो अभी भी हम लोग का अपील है ये एनडीए सरकार हमारा पार्टनर को हम लोग अपील है कम से कम ये लोकसभा इलेक्शन का पहले हम लोग का ये जो यूपीए सरकार जो दिया है उसको ओवरकम करके हमारा जो इश्यू को कम से कम कंसिडरेशन करके हमारा इश्यू को सॉल्व करने के लिए हमारा जो पार्टनर है एनडीए का पापा एनडीए पार्टनर, और अभी जो हमारा सभी पता है देश का सभी पता है आप ये जो प्रेजेंट जो प्राइम मिनिस्टर वो बहुत काम करने वाला प्राइम मिनिस्टर है और बात सुनने वाला प्राइम मिनिस्टर है, और लोग को कम से कम ये चीज प्रॉब्लम जो भी होगा उसको सॉल्व करने वाला प्राइम मिनिस्टर है, हमारा भी विश्वास है ओनली आवर जो प्रॉब्लम हो रहा है उसको सॉल्व कर पाएगा ओनली अभी जो प्राइम मिनिस्टर है
नरेंद्र मोदी जी वही कर पाएगा और होम मिनिस्टर जो अमित शाह जी वो लोग भी अभी हम लोग का जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा वो सब विश्वास को लेके हम लोग आज ये जंतर मंतर में आया है। आने वाला साल में वो सॉल्व होगा हमारा भी विश्वास से। यही हम मेरा दो सब बोल के मैं आप लोग को फिर से मेरी तरफ से और मेरा ये मूवमेंट का तरफ से आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और हमारे साथ जितना सारे हर एवरी स्टेट का हम लोग का साथ जो सॉलिडारिटी दिया है, जो सपोर्ट दिया है, हम लोग को और भी टक्कर बढ़ाया है। और आने वाला साल में हमारा एक नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट एक प्लेटफॉर्म है, वो नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट का जो प्लेटफॉर्म वो कंटिन्यू रहेगा। और ये त्रिपुरा का जो IPFT एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है वो पिछले साल में भी एक नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट का मेंबरशिप था, अभी भी है, इन फ्यूचर में भी नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट का साथ हम लोग रहेगा, हमारा साथ भी नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट रहेगा। हमारा यही आज का जो मुद्दा और ये चंद्र मंत्र में आके मैं दो सब बोल के मेरा ये भाषण ये स्पीच मैं यही समाप्त करता हूँ। सभी को नमस्कार और सभी एक साथ मेरे साथ आवाज तुलने के लिए आप लोग को मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, भारत माता की, भारत माता की, नया रस मांगने वाला एक हो, नया रस मांगने वाला एक हो, नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट जिंदाबाद, IPFT जिंदाबाद, नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट जिंदाबाद, मनीष तमंग जी जिंदाबाद, निगमन जी जिंदाबाद, निगमन जी जिंदाबाद, मनीष तमंग जी जिंदाबाद, भारत सरकार हमारे मांगे पूरी करो, NDA सरकार हमारे मांगे पूरी करो, हमारे मांग से हमारे मांग से